हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको बीक्रिप्ट जेएस का यूज़ करके यूज़र के पासवर्ड को हैश कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो हैश है, जो हैशिंग है, इसका मतलब क्या होता है। आमतौर पर जब भी कोई यूज़र आपको वेबसाइट पर पासवर्ड प्रोवाइड कराता है, वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा पासवर्ड है 123, या फिर इसमें कुछ और भी जोड़ दीजिए, ये मेरा पासवर्ड है। इस तरीके से प्लेन टेक्स्ट में मौजूद पासवर्ड को अगर आप डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं होता है, वो अनसिक्योर होता है। तो इसलिए हम लोग जो है प्लेन टेक्स्ट का जो पासवर्ड होता है उसे एक हैशिंग एल्गोरिदम से पास करते हैं, और फिर जो हमारे पास जो डेटा आता है वो हमारा हैश किया हुआ पासवर्ड होता है। अब हैशिंग एल्गोरिदम में जो है अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं, अगर आप चाहें तो गूगल पर जाकर सर्च करके आप देख सकते हैं। जो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला हैशिंग एल्गोरिदम है वो आपका MD5 है, फिर आपका एक आता है SHA करके आता है, सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम, और भी कई दूसरे हैं। तो अगर आप लोग PHP बैकग्राउंड से, अगर आप लोगों ने PHP में काम किया तो वहाँ पे आपने MD5 करके एक फंक्शन यूज़ किया होगा हैशिंग के लिए। तो वही काम हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन bcrypt.js लाइब्रेरी का यूज़ करके कर रहे हैं। और यहाँ पर जब आप हैशिंग एल्गोरिदम में जब आप एक प्लेन टेक्स्ट में मौजूद पासवर्ड को जो है दे देंगे इनपुट के तौर पर, तो उससे जो डेटा जनरेट होगा वो कुछ इस तरह का होगा, इस तरीके के जो ऐसा इस तरह का डेटा आपका बनेगा। और ये जो डेटा होगा इसे आप जो है डेटाबेस में स्टोर करेंगे। और ये करने से एक बेनिफिट और ये है कि अगर मान लीजिए आपका डेटाबेस का डेटा कोई अगर देख भी लेता है तो उसे उसमें जो व्यक्ति देखेगा उसे ये पता नहीं चलेगा कि जो यूज़र उसका पासवर्ड क्या है, उसे केवल हैश किया हुआ डेटा दिखाई देगा। हैशिंग जो होता है ये वन वे होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका मतलब ये होता है कि जिस डेटा को आपने हैश कर दिया उससे आप वापस पुराने प्लेन टेक्स्ट पर नहीं आ सकते, और ये एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और हैशिंग में एक डिफरेंस भी है। अगर मान लीजिए मैंने इस डेटा को लिया, इसको मैंने bcrypt.js से हैश किया, उससे ये जनरेट हुआ, अब फिर मैं आगे चल के ये चाहूँ कि ये डेटा जो है वापस इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको डिलीट कर दूंगा। उसके बाद हम लोग अपने कोड में जो है कुछ चेंजेस करेंगे, जो कि मैं अपने पिछले वाले वीडियो में नहीं कर पाया था, तो वो मैं आप करने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहला चेंज ये है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट लिखा था, इसमें एक और कमेंट ऐड कर दीजिएगा जो कि होगा मेथड। और ये जो है आपका HTTP का मेथड है। इसका मतलब ये है कि हम लोग कौन से HTTP के मेथड का यूज़ करके इस राउट को जो है कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते इस समय ये गेट मेथड है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गेट लिख देंगे इस तरीके से, जैसे कि आपको ये भी पता रहे कि आपको पोस्टमैन में या API कॉल करते वक्त कौन से मेथड का यूज करके जो है इस राउट को कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे गेट लिख दिया, इसको यहाँ से कर लीजिएगा कॉपी, और फिर जो है आप यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिएगा रजिस्टर के ऊपर, और यहाँ पे लिख दीजिएगा पोस्ट। उसके बाद एक काम आपको और करना है, जो गेट मेथड हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था उसमें मैंने जो रिस्पॉन्स जो है JSON डेटा रिटर्न में भेजा था, वहां पे मैं रिटर्न लिखना भूल गया था। तो ये चीज आपको कर लेना है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये रिटर्न कर लीजिएगा, यहाँ पे ये मेथड लिखने के बाद और फिर ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको क्या करना है कि हम लोगों ने जो ये राउट का फाइल बनाया है जिसका नाम users.js है, इस फाइल को हम लोग रीनेम करेंगे, क्योंकि ये जो है ठीक नहीं लग रहा है, इसका नाम हम लोग बदल के यूजर राउट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे जो कि राउट फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे ये जो राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजर राउट्स, ये लिख लीजिए और एंटर दबाइए, फाइल को रीनेम कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये एक पॉपअप बॉक्स आएगा, इसमें आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इस फाइल को जिस भी फाइल के अंदर लिंक किया वहां पर आपको जाना है। तो हम लोगों ने index.js में किया था जहां पे यूजर का राउट हम लोगों ने लिया था, तो इसको आपको अपडेट करना होगा इम्पोर्ट को। तो मैंने फाइल का नाम बदल दिया, और ये कर लीजिएगा वरना जो है एरर आएगा, आपके राउट्स जो है वर्क नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आपको पासवर्ड का हैशिंग जो है वो कैसे करना है। तो हम लोग अपने यूजर राउट डॉट जेएस वाले फाइल में जाएंगे, रजिस्टर वाले URL पे आपको आना है, इसके अंदर आपने ये वैलिडेशन का कोड लिखा था, ठीक इसके नीचे आपको आ जाना है। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा हैश्ड पासवर्ड, ये मैंने लिख दिया, इक्वल टू लगाना है। यहाँ पर आपको bcrypt.js का यूज करना है, डॉट लगाना है, हैश लिखना है, और हैश सिंक करके एक फंक्शन है, यानी कि इसको जो है सिंक्रोनाइज्ड वे में हैश करेगा, इसको आपको कॉल करना है। और यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड वे में हैश करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप केवल यहाँ पे हैश वाला फंक्शन यूज करते हैं जो कि एसिंक्रोनस होता है,
तो जब तक इसका हैशिंग हो रहा होता तो इसके आगे भी जो कोड होता जावास्क्रिप्ट का वो भी एग्जीक्यूट कर जाता। लेकिन जब आप यहाँ पे हैश सिंक वाले फंक्शन का यूज करते हैं तो जब तक पासवर्ड का हैशिंग होके रिटर्न होके इस वाले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं हो जाएगा तब तक आगे का जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम लोग हैश सिंक वाले फंक्शन का इसलिए यूज करेंगे। अब आपको इस फंक्शन के अंदर जो यूजर का पासवर्ड है वो आपको पास करना होगा। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट लिखना है क्योंकि क्लाइंट की तरफ से डेटा आ रहा है तो आपको रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। डॉट लगाना है, बॉडी लिखना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना है। अब इसके साथ आपको एक और वैल्यू देना होता है जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट वैल्यू। सॉल्ट का मतलब होता है एक रैंडम जो होता है आपका एक वैल्यू होता है जिसका लेंथ आपको बताना होता है और उसे अभी आपको बनाना होगा। तो ये बनाने के लिए हम लोग जो एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम मैंने इक्वल टू सॉल्ट रखा। यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, बी क्रिप्ट आपको लिखना है, डॉट लगाना है, जेन सॉल्ट सिंक ये इस फंक्शन को कॉल करना है। इसमें आपको ये बताना है सॉल्ट वैल्यू का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, मैंने कहा 10 का होगा और इस वाले वेरिएबल को यहाँ आपको पास कर देना है। इससे जो आपको पासवर्ड होगा वो हैश हो जाएगा। यहाँ मैंने एंटर दबा दिया, यहाँ दबा दिया एंटर और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आउटपुट में देखेंगे जो पासवर्ड हैश हुआ है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कंसोल लॉग का यूज करिए और उसके बाद इसके अंदर जाके हैश्ड पासवर्ड जो है वो डाल दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो ये लिखा हुआ इसको हम लोग यहाँ पर रहने ही देंगे। और अगर आप चाहें तो इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ही जो है ऐड कर देता हूँ, ये मैंने लिख दिया हैश्ड पासवर्ड लिख दिया और उसके बाद मैंने जो वेरिएबल का नाम था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये कंसोल से मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये मेरा काम हो गया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ टर्मिनल पे जाना होगा, न्यू टर्मिनल पे जाना होगा, यहाँ पे नोड मॉल लिखना होगा। लेकिन मैंने पहले से दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके रखा है जो कि मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर नोड मॉल लिखेंगे, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग पोस्टमैन में जाएंगे। तो मैंने पोस्टमैन को ओपन किया, प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो आपका मेथड है एचटीटीपी का वो सेलेक्ट करना जो कि है पोस्ट और ये वो मेथड है जिसका आपने फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया। आप ये देख सकते हैं रजिस्टर राउट के ऊपर आपने पोस्ट का यूज़ किया है तो वही आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे राउट में जाना है, आपको सबसे पहले लिखना होगा एचटीटीपी लोकल होस्ट कॉलन 500 आपको लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है API, उसके बाद आपको लिखना है यूज़र, फिर आपको लिखना होगा रजिस्टर। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं URL सही है या नहीं। तो अपने कोड में जाएंगे, index.js में जाएंगे, वर्चुअल पाथ प्रीफिक्स देखिए, यहाँ पे देखिए यूजर्स लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यूज़र कर देते हैं, ये सही रहेगा, इसको यूजर्स मत रखिएगा। और उसके बाद हम लोग अपने जो है पोस्टमैन में चलते, ज़्यादा सही लग रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है सेंड पे नहीं क्लिक करेंगे, सबसे पहले बॉडी पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना, वैल्यू पास करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ईमेल पास करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ईमेल दे दिया अपना। उसके बाद मेरे पास था यूज़र नेम, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। उसके बाद था मेरे पास पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड लिख दिया 12345। और ये जो वेरिएबल्स है ये वही वेरिएबल्स हैं जो कि आपने अपने कोड में यहाँ पर बनाया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रजिस्टर राउट है, ये आपका है रजिस्टर राउट, ये जो वेरिएबल है इन्हीं का वैल्यू हम लोगों ने पास किया है। पोस्टमैन में चलते हैं, सेंड पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका डेटा आ गया और ये देखिए पासवर्ड आपका हैश होके यहाँ पर आ गया। इस वैल्यू को जो है आपको डेटाबेस में स्टोर करना होगा। तो इस तरीके से जो है आपको पासवर्ड का हैशिंग करना था और मैंने यहाँ पे ये कर दिया। और मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ, पासवर्ड को छोड़ के हम लोग किसी दूसरे वैल्यू का जो है हैशिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे करना है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो हम लोग का जो हैशिंग का काम था वो सक्सेसफुली हो चुका है। कमांड प्रॉम्प्ट में देखेंगे कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड को जो है गिटहब पे पहुँचा देते हैं, जो भी चेंजेस हम लोगों ने किया गिटहब पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सारे चेंजेस जो है स्टेजिंग इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एडेड पासवर्ड हैशिंग, ये मैंने लिख दिया, ये स्पेलिंग मुझे सही कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क पर क्लिक करना है, कमिट हो जाएगा गिट में, यहाँ पे करना है क्लिक, पुल पुश पे जाना है, पुश टू पे करना है, URL सेलेक्ट करना है गिटहब का और ये मेरे रेपो पर जो है गिटहब पर वहाँ पे पहुँच जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे कोड जा रहा है। इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा।
और अगर आप चाहें तो मुझे मेरे ईमेल पर भी अपने डाउट जो है लिखकर भेज सकते हो, जो कि आप वीडियो के नीचे देख पा रहे होंगे, ईमेल मेरा लिख के आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है आप यहाँ पर जो ये देख पा रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको प्लेलिस्ट देखना तो आप उसके ठीक नीचे क्लिक कर सकते हैं, उससे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।